अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में ये चीजें कभी थी ही नहीं। बहू के बेटा होगा या बेटी होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। खेत में फसल हमने बो दी है कितना होगा तुम्हारे और हमारे हाथ में। खेत में पानी खाद डालना तुम्हारे हाथ में है, फसल कितनी होगी ये तुम्हारे हाथ में। बस जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करके परेशान क्यों होते हैं। और आप लोग अधिक लोग चिंता वही करते हैं जो आपके हाथ में है ही। महाराज जी हमारी बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह कब होगा। जब होगा हो जाएगा, तुम रो क्यों रहे हो, टेंशन क्यों है। लड़का ढूंढो, कर्म करो, कर्म कर, चिंता ना कर। कर्म करना है, चिंता नहीं करना, पर आप कर्म नहीं करते, चिंता करते। महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, भगवान जब चाहेंगे बन जाएगा। तू कर्म करता रहे, मेहनत कर, मेहनत करके पैसा कमा, चिंता ना कर। जब भगवान की लीला है, वो चाहे महलों में रखें, वो चाहे झोपड़ी में, जहां रखेंगे वहीं रहना पड़ेगा। यदि उनकी इच्छा झोपड़ी में रखने की है तो भले तुम्हारे पास महल है, पर झोपड़ी में रखना चाहें भगवान तो महलों के होने पर भी लोग झोपड़ी में ही रहते हैं। क्या करो सम, आप लोग इतना नहीं समझते कि ये संसार जिसने बनाया है वही इसे चला रहा है। तुम क्यों कूद रहे हो जबरदस्ती, जैसा हो रहा है उसके होने में आनंद लो। अब जैसे अब रात होने वाली है, अब क्या होने वाला है, क्या होने वाली है, रात होने वाली है। अब रात होने, अब कोई कहे महाराज रात हो गई, अब बताओ अभी तक तो दिन था, अब दिन कब होगा। अरे रोता क्यों है, रात हो गई, रात का आनंद ले, सो बड़ी आनंद से। सवेरा होगा तो सवेरे का आनंद ले, जो है तुम्हारे सामने उसका आनंद लो, रोइए मत। भगवान ने जो समय लाकर खड़ा किया है, जो स्थिति परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उस समय पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। हाँ या ना, और भगवान को याद रखो। मन अशांत है, शांत कैसे होगा, अभ्यास से। अभ्यास मन सबसे हटाओ, लगाना पड़ेगा, लगाओ सिर्फ भगवान के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी, इसका मतलब यह है कि काम पूरा करना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पर कर्म करते हुए ये मानना है कि मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला कौन, गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हो रही हैं वो सेवा करने वाला मैं नहीं, भगवान है वो सब करने वाले। यदि मैं अपने आप को मानने लग जाऊं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। और घमंड यहीं से स्टार्ट होता है जब आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और वहीं से पतन भी होता है। अभिमान हुआ पतन। ये मानना है कि करने वाले, करने वाले कौन, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। करने वाले कौन है, जोर से, भगवान। हम कौन है, निमित्त। निमित्त हैं, चलो बताओ ये क्या है। ये क्या है बताओ, इसे कहते हैं तिनका। यह एक तिनका है, क्या है ये तिनका बताओ। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में
इसकी क्या हैसियत है? फटाफट बोल दो, इस तिनके की इस ब्रह्मांड में क्या हैसियत है बताओ। कहीं कुछ ये मायने रखता है इस पूरे ब्रह्मांड में? इसके बिना कोई काम रुका है? इस तिनके की क्या वैल्यू है इस पूरे सृष्टि में? है कोई? बस जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये तिनका, कोई हैसियत नहीं है इसकी, उसी तरह इस सृष्टि में, इस संसार में आप और हम कौन हैं? शायद इस तिनके की कोई इज्जत होए भी, शायद इस तिनके की कोई कीमत, कोई मूल्य शायद हो भी, पर हम तो इस तिनके का, यदि इस तिनके का 100 टुकड़ा किया जाए और 100 टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर फिर उसका 100 टुकड़ा किया जाए, तो जो शेष भाग बचेगा बस वो शेष भाग हम और आप हैं। किस बात की अकड़ है साहब? किस बात का घमंड है? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? क्या है तुम्हारी हैसियत इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में? तुम कौन हो? कितने लोग जानते हैं तुम्हें? तुम नहीं करोगे तो कौन सा काम रुकेगा किसका? ये जो झूठा अभिमान पाल लिया है हम लोगों ने, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं उससे वो कराते हैं। ज्ञानी मूढ़ ना कोए, जेहि छन जस रघुपति करें। भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहे पल भर में वो ज्ञानी हो जाए, और जिसे मूर्ख बनाना चाहे पल भर में वो मूर्ख हो जाए। इसलिए आप अपने आप को इस तिनके से ज्यादा ना समझिएगा, बस ये प्रार्थना है। जब तिनका मानेंगे तो अभिमान से बच जाएंगे, और अभिमान से बच गए तो रावण का नाश केवल अभिमान के कारण हुआ है। हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग तिनका हैं? तिनका हो तो बस भगवान से कहो, प्रभु ऐसा तिनका बनाओ कि आपके चरणों को छोड़कर कभी और कहीं ना जाऊं। बस